हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेड्डी शुभम। आज हमारे अपने इस वीडियो में ये बताना चाहूँगा कि मॉर्फो सेटअप को लेके बहुत बड़ी इशू आ रही है अभी लास्ट मंथ से। जैसे विंडोज 7 जो कहा जाता है, विंडोज 7 में हम लोग जैसे पहले यूज़ करते थे कि उसमें आसानी से मॉर्फो काम करता था, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि विंडोज 7 में मैं 10 बार से ज़्यादा कोशिश कर चुका हूँ, इंस्टॉल करो, अनइंस्टॉल करो, ये करो, वो करो, फलाना ढकाना, यूट्यूब का वीडियो देख देख के परेशान हो गया हूँ, लेकिन कोई सोल्यूशन निकल ही नहीं पाता है। काफ़ी परेशान होने के बाद फिर मैंने पता किया तो पता चला कि विंडोज 7 में वो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि अब क्या हुआ कि कुछ एरर है, मतलब प्रॉब्लम हुआ होगा, मैं उतना नहीं जानता। मुझे बस इतना मालूम है कि विंडोज 7 से बहुत सारा चीज़ अब अपडेट हो रहा है, माइक्रोसॉफ्ट अपना सारा चीज़ वर्जन हटा रहा है वहाँ से, क्योंकि विंडोज 7 में एक्सेस अब बंद किया जा रहा है। इसी में एक आपका मॉर्फो सेटअप भी जिसका एक्सेस अब विंडोज 7 से बंद कर दिया गया है, मॉर्फो अब उस पर काम नहीं करेगा। अब काम करेगा भी तो बचा है आपका मंत्रा काम करेगा, स्टार्ट किट काम करेगा, लेकिन मंत्रा से आयुष्मान कार्ड वाला भी बहुत इशू आता है, मॉर्फो में ही सिर्फ अच्छे से काम करता है। तो मैं जो लैपटॉप यूज़ करता था उसमें विंडोज 7 लगा हुआ है, लेकिन उस लैपटॉप को तो मैं अभी यूज़ कर नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरे पास दूसरा लैपटॉप भी जिसमें मैंने विंडोज 10 डलवा रखा है, और आज ही मैंने डलवाया विंडोज 10, और मैंने मॉर्निंग में इसमें आपका मॉर्फो का सेट आरडी सर्विस इंस्टॉल किया, लेकिन उसमें दिक्कत क्या आया ना, वो आरडी सर्विस इंस्टॉल करने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसके बाद भी आयुष्मान कार्ड का पहला लॉगिन तो हो गया, लेकिन जब मैं कस्टमर का किसी का डिटेल डाल के जब मैं लॉगिन कर रहा था ना, उस समय वो लॉगिन नहीं हो पा रहा था। वहाँ पे दिखा रहा था कि वेट फॉर बायोमेट्रिक फेचिंग, लेकिन वो एक्टिव नहीं दिखा रहा था, जो कि पहले भी ये इशू आता था विंडोज 7 में, लेकिन कुछ सेटअप से वो क्लियर हो जाता था। अभी विंडोज 10 में भी सेम एरर आया है, तो आज हम लोग खुद से एक्सपेरिमेंट करेंगे कैसे इसको ठीक किया जाए, क्योंकि ये मेरी एक अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, ये हजारों वेली है, हजारों जो अपना काम करते हैं उसके साथ ये प्रॉब्लम आ रहा होगा। कितना दिन से वो विंडोज 7 से ट्राई मारते हैं, उनका काम नहीं हो पा रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। लेकिन अब जो विंडोज 10 में है, मैं यही सलाह दूंगा कि विंडोज 7 है तो आप उसके अपने विंडोज़ को अपडेट करवा लीजिए 10, तभी वो काम कर पाएगा। और मैं खुद अभी इसको रियल में अपने लैपटॉप पे उसको मतलब फिर से पुराना हटा के फिर से विंडोज 10 में नया मॉर्फो डाल के आपको दिखाऊंगा कि वो कैसे काम कर रहा है, और कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसे मुझे परफेक्ट नॉलेज नहीं कि करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन मैं खुद एक्सपेरिमेंट करके इस वीडियो को आपको दिखाऊंगा कि ये मैं सही कर रहा हूँ या गलत। अगर सक्सेस हो गया तो मेरे वीडियो बनाना भी सफल हो जाएगा, और आपको मैं नॉलेज भी दे पाऊंगा कि हाँ मैं ये चीज़ सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, किस तरीके से ये हो रहा है, मैं सारा प्रोसेस बताऊंगा। जब तक हमारे वीडियो में आप बने रहिए, और मैं आपको आगे चल के अपने स्क्रीन आप हमारे स्क्रीन पर पहुँच चुके हैं, और मैं इसमें दिखा रहा हूँ कि कैसे सबसे पहले किसी ड्राइवर को अनइंस्टॉल किया जाता है। जैसे खास करके मॉर्फो का मैं दिखा रहा हूँ, स्पेशली मैं कंट्रोल पैनल में जा रहा हूँ। कंट्रोल पैनल जाने के बाद देखिए नीचे प्रोग्राम एंड अनइंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, या अनइंस्टॉल पे क्लिक करना है हमें, और यहाँ क्लिक करने के बाद मुझे देखिए मॉर्फो का दो ड्राइवर इसमें दिखेगा, आप सर्च करके देख लीजिएगा, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन ऊपर कीजिएगा, देखिएगा एन से मॉर्फो आएगा, वो हमें दोनों मॉर्फो को अनइंस्टॉल करना होगा। सबसे पहले देखिए वहाँ ऊपर में ऑप्शन है अनइंस्टॉल का, मैंने उसे अनइंस्टॉल कर रहा हूँ, और ये जैसे ही हो जाएगा यस मैंने कर दिया, उसके बाद फिर सेकंड ऑप्शन आएगा, उसे भी हमें अनइंस्टॉल करना होगा। देखिए सेकंड, क्योंकि मॉर्फो का इसमें दो ही दिखता है, दोनों को ही अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, सिर्फ एक करने से काम नहीं चलता। अब जैसे मैंने देखा ये अनइंस्टॉल हो गया, ओके मैंने कर दिया, फाइनली पूरा कंप्लीट अनइंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद एक और चीज़ है कि यहाँ से अनइंस्टॉल होने के बाद ये आपका रिसाइकिल बिन में भी वहाँ पे दिखेगा, लेकिन सबसे पहले मुझे एक और है कि सी ड्राइव में जाके वहाँ से भी मुझे डिलीट करना पड़ेगा। जैसे ये मैंने अनइंस्टॉल कर दिया, मैं इसे कट कर देता हूँ, फिर मैं अब अपना सी ड्राइव ओपन करूँगा। कंप्यूटर में क्या सी ड्राइव ओपन किया, वहाँ पर देखिए दो ऑप्शन दिखे, यहाँ पर देखिए इसमें तो नहीं दिख रहा है, इसमें सिर्फ डी जी पे का है, फिर मैं इसे बैक कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे नहीं है ऑप्शन। बैक करने के बाद फिर मैं दूसरे ड्राइव में चेक करूँगा, जैसे उसमें भी मतलब मॉर्फो का ड्राइवर सी ड्राइव में ही ज़्यादातर मतलब ज़्यादा क्या है उसी में ही रहता है। जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे अभी रुका हुआ हूँ, यहाँ पे देख कहीं नहीं दिख रहा है, ये सब डी जी पे है टोटल, यहाँ पे मतलब इस फोल्डर में सिर्फ डी जी पे का ही सॉफ्टवेयर डला हुआ है, तो खैर इसमें करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर मैं बैक जाता हूँ, देखिए मैंने बैक गया, अब मैं देखिए यहाँ पे हम मॉर्फो लिखा हुआ दोनों, मैं दोनों मॉर्फो को यहाँ से डिलीट कर दूंगा, यहाँ पे डिलीट, सेकेंड वाला एक और ऑप्शन है इसे भी मैं डिलीट कर दूंगा, देखिए यहाँ से डिलीट, अब ये काम ख़त्म हो गया हमारा। अब मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ, फिर मैं रिसाइकिल बिन में जाऊँगा, वहाँ पर कंट्रोल ऑल करके डिलीट मार दूँगा, या फिर दो सिर्फ मॉर्फो ड्राइवर ही डिलीट मारूँगा तो भी काम चल जाएगा। ये मैं डिलीट कर दिया, और डिलीट करने के बाद सारा चीज़ कंप्लीट मॉर्फो का। और सबसे अच्छी बात क्या कीजिएगा, जैसे ही आप कंस्ट्रोल ये सब सारा चीज़ हो जाएगा तो सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लीजिएगा, रीस्टार्ट करने के बाद ही न्यू ड्राइवर इंस्टॉल कीजिएगा, तो बहुत अच्छी तरीके से आपके सिस्टम में वो रन करेगा।
मैं इसे कर दिया हूँ रिस्टार्ट। अब देखिए मैं यहाँ पे मॉर्फो आरडी सर्विस गूगल में सर्च कर रहा हूँ। अब यहाँ सर्च करने के बाद देखिए यहाँ ऊपर एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे देखिए बहुत सारा मॉर्फो का ऑप्शन है, मेरे थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, लोकल होस्ट जो लिखा हुआ है, क्योंकि उसी में ही वही इंस्टॉल करने से ही आपका आयुष्मान भारत इस सब में काम करता है। अगर आप सेकंड ऑप्शन भी कीजिएगा तो उसमें काम नहीं करेगा, फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। सिर्फ फर्स्ट लेवल ही पास कीजिएगा, सेकंड लेवल जब कस्टमर फिंगर लगना रहेगा तो वो काम नहीं करेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ थर्ड ऑप्शन ही आप सिर्फ इंस्टॉल करना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर देखिए नीचे डाउनलोड हो चुका है लगभग, मैं उसे अब ओपन करके देखूंगा कि क्या हो रहा है और आपको भी दिखाता हूँ। देखिए यार नीचे डाउनलोड टाइम में भी कंप्लीट जब गोल हो जाएगा, हाँ फ्लक्चुएट कर रहा, अब ये फोल्डर खुल जाएगा। अब मैं जाऊँगा सो इन फोल्डर में दिखाऊँगा। अब मैं गया यहाँ पे, मैं इसे मतलब इंस्टॉल करूँगा, ठीक है। देखिए सेलेक्ट कर रहा हूँ तो सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है, रुकिए मैं गलती कर रहा हूँ। हाँ मैं यहाँ से डबल क्लिक करूँगा, अब इंस्टॉल होगा ये। यहाँ से एक और डबल क्लिक थर्ड ऑप्शन में, अब देखिए इंस्टॉल होने लगा है हमारा ये मॉर्फो ड्राइवर। और उम्मीद करता हूँ सक्सेस कर जाऊँ, और मुझे पूरा यकीन है कि मैं अपना सिस्टम में खुद के लिए भी इंस्टॉल कर रहा हूँ, और इसके देखने के बाद और किन्हीं को अगर दिक्कत है वो भी उनका हेल्प हो पाएगा। इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ ताकि लोगों को मदद कर पाऊँ, अपने जितनी मेरे पास नॉलेज है या ज्ञान है जो भी, मैं उसे चाहता हूँ सबको शेयर करूँ और सबको बता पाऊँ कि कोई भी प्रॉब्लम में किस तरह से सॉल्यूशन से बाहर निकला जाता है, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कभी हो सकता है एक बार में ना हो तो दोबारा आपको इंस्टॉल करना पड़ जाएगा, तो होता है क्योंकि मैं भी गलती करके सीखता हूँ। अब देखिए यहाँ से फिर से एक बार मुझे सिस्टम को रीस्टार्ट करना है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल। अब ये सारा हो गया, मैं इसे भी क्लोज कर देता हूँ, अब इसका कोई काम नहीं है, मतलब डिलीट मत कर दिए भाई, संभाल के रखियो। चलिए मैं इसे यहाँ से क्लोज कर दूँगा, चलिए मिनिमाइज ही सही, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं ऐसे आपको रेडी करके भी दिखूँगा, मतलब बहुत अच्छे तरीके से मेरा सारा चीज़ हो गया। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था कि काम करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन उम्मीद था कि मैं खुद के ज़्यादा दूसरों के लिए भी हेल्प करता हूँ तो शायद सही में मेरा काम करने लग जाए। चलिए ट्राई करता हूँ फिर से, मैं न्यू टैब ओपन कर लिया हूँ क्रोम में, फिर से यहाँ पे CSC लॉगिन करना पड़ेगा सबसे पहले हमें, तो हम सबसे पहले अपना CSC लॉगिन कर लेंगे। मॉर्फो का तो सारा ड्राइवर कंप्लीट हो चुका है, मॉर्फो। देखिए CSC लॉगिन हुआ, मैंने ID पासवर्ड डाल रखा है, मैं कैप्चर डाल रहा हूँ क्योंकि ये ऑटो सेव हो जाता है आपके सिस्टम में एक बार भी लॉगिन करने से। अब मैं कैप्चर डाल के इसे लॉगिन करता हूँ, अरे यार गलत डाला गया, रुकिए मैं फिर से डाल रहा हूँ, शायद कुछ पासवर्ड में से गलती हुआ है क्योंकि हाल ही में मैंने पासवर्ड चेंज कर रखा था, क्योंकि हमें हमेशा पासवर्ड चेंज करना पड़ जाता है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वीडियो के दौरान तो खैर दिखता नहीं, लेकिन फिर भी पासवर्ड ज़रूरी है कि आप हर महीने दो महीने में अपना चेंज करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे मैं लॉगिन फिर से कर रहा हूँ, अब हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद जैसे मैं यहाँ नो थैंक्स कर देता हूँ क्योंकि पासवर्ड तो सेव हो ही जाता है, तो सेव भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये लॉगिन हो रहा है, अब जैसे ये लॉगिन हो जाता है ना, देखिए मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या करना है, आप भी सेम इसी तरह कर सकते हो, और ज़्यादातर वैली को तो सब लोगों को पता है क्या करना है। आगे यहाँ पर आयुष्मान लिखिए, थर्ड ऑप्शन में आप टिक मार दीजिए, वहाँ जैसे हम लोग जैसे नॉर्मली जैसे आयुष्मान खुलता था पहले, सेम उसी तरह से खुलेगा। लॉगिन कर लीजिए, अब देखिए बायोमेट्रिक वाला दिखा रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पे गलती क्या किया ना कि यहाँ बायोमेट्रिक वाला मैंने डिवाइस ही कनेक्ट नहीं कर रखा था, इसीलिए बहुत मुझे पता नहीं था कि क्या एरर आएगा। तो क्या हुआ कि डिवाइस कनेक्ट तो मैंने किया नहीं, तो वही आप देखिए क्या होता है कि वहाँ पे एक एरर आ जाएगा जैसे कि नॉर्मली सब आता है। तो फिर मैं इसे दोबारा से फिर कनेक्ट कर दिया हूँ, देखिए अभी एरर आ गया ना, ये अनेबल टू डिटेक्ट डिवाइस। तो इसके लिए टेंशन के बाद मैंने फिर दोबारा से इसे कनेक्ट कर लिया हूँ, डिवाइस को फिर से रिफ्रेश किया, अब देखिए ये घूम रहा है। अब देखिए यहाँ दिखा दिया डिवाइस कनेक्टेड है, मैं से स्टार्ट कैप्चर करूँगा, मेरा फिंगर लग जाएगा और लॉगिन भी हो जाएगा काफ़ी आसानी से। नॉर्मली आपका पहले भी ये लॉगिन हो रहा होगा, लेकिन कस्टमर जैसे उनका आधार नंबर डालने के बाद, राशन नंबर आधार नंबर डालने के बाद लॉगिन नहीं ले रहा होगा, उसमें बहुत ज़्यादा इशू आ रहा था, बार बार कर रहा था, बार बार हो नहीं रहा था, तब जाके ये हमने दोबारा ऑप्शन निकाला था, तब जाके ये आसानी से हो पा रहा है। अब देखिए ये घूम गया, अब ये खुल रहा है साइट, क्योंकि थोड़ा थोड़ा कभी कभी सर्वर में आप भी देखते हो कि एरर आता है, थोड़ा टाइम टेकिंग लगता है, तो हमारा भी सर्वर में थोड़ा टाइम टेकिंग लग रहा है, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए वीडियो देख के, ज़्यादा बोर मत होइए सर, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है जैसा कहा जाता है, इसीलिए ध्यान देते रहिए। देखिए अभी सर्वर डाउन है, कुछ एरर आ रहा था, तो मैं इसे थोड़ा देर वेट करके फिर से एक बार फिर ट्राई करूँगा कि शायद सर्वर आ जाए। देखिए तो साइट दूसरा जगह चला जाता है, फिर से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि शायद साइट खुल जाए, और साइट खुलना ही चाहिए क्योंकि बहुत ज़रूरी है।
ताकि मैं आपको ये सारा चीज़ कंफर्म कंप्लीट करके दिखा पाऊँ और जो हमने मेहनत किया है वो मेहनत हमारा सक्सेस हो। हाँ, लेकिन एक और बात बताऊँगा इस बीच में, जैसे मैंने जो दिखाया था क्रोम में जो आरडी सर्विस वाला मैंने जो इंस्टॉल किया है, तो आप भी इस बात को ध्यान रखें कि आरडी सर्विस सेकंड ऑप्शन वाला मत कीजिएगा, क्योंकि उससे फिर आपका सेम इशू आएगा। जो नीचे लोकल होस्ट करके एक ऑप्शन दिया हुआ है ना, आप उसी को ही इंस्टॉल कीजिए, तो आपको फिर उसमें कोई एरर नहीं आएगा, बहुत काम आएगा। जैसे देखिए मैं फिर से ट्राई कर रहा हूँ लॉगिन करके कि शायद बस लॉगिन हो जाए। मैं थोड़ी देर इसमें ब्रेक लग गया, वीडियो को मैंने पॉज करके किया था। अब देखिए ये मैं लॉगिन कर रहा हूँ, चलिए लॉगिन दोबारा से शायद हो जाएगा। चलिए क्या खुल गया यार, हाँ कट की जगह। अब जैसे ये हो गया है लॉगिन, स्टार्ट कैप्चर में भी मैं गया और कैप्चर में जाते ही फिर आप देखिएगा घूम रहा है, वैलिडेशन में जा रहा है। चलिए अब लग रहा खुल जाएगा, खुल जाएगा, खुल जाओ सिम सिम, खुल जा भाई खुल जा, इतना लेट करके मेरे को क्या। हाँ चलो खुल गया भाई, बहुत बहुत धन्यवाद क्रोम भैया का। चलिए यहाँ पे हाँ आप सर्च में जाएंगे, सर्च में भी थोड़ा सा अभी सर्वर लगता आया काफ़ी देर से, तो इसीलिए थोड़ा स्लो हो सकता चल रहा हो, ऐसे ये काफ़ी स्पीड काम करता है, कभी कभी दौरा पड़ता है। अब देखिए मैं यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ, सर्च का सर्वर घूम रहा है क्योंकि काफ़ी देर बाद सर्वर आया है, इसीलिए थोड़ा स्लो चल रहा है। चलिए खुल गया है, लेकिन अभी भी देखिए यहाँ पे कुछ कमी है क्योंकि ऑप्शन नहीं आ रहा है। एक मैं इसे फिर से ट्राई करके देखता हूँ कि शायद ऑप्शन आ जाए। देखिए ऊपर जब तक ऑप्शन नहीं आएगा तो नीचे राशन नंबर डाल के फ़ायदा नहीं है। मैं तो दोबारा से इसे फिर से रिफ्रेश करता हूँ ताकि वो सर्वर ऑप्शन आ पाए। चलिए आ गया यहाँ पे PMJY, यहाँ पे मैंने राशन कार्ड ले लिया। देखिए फिर अभी ऑप्शन आ रहा है, अभी भी नहीं खुला है सर। सेलेक्ट ऑप्शन में जाकर मुझे करना पड़ेगा, सेलेक्ट सर्च पैरामीटर में। एक मिनट मैं दोबारा से फिर कर रहा हूँ क्योंकि सर्वर अभी काफ़ी देर बाद आया है ना, इस कारण से थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो अभी ज़्यादा परेशान ना हो, कभी ऐसा हो तो दोबारा रिफ्रेश करके आप फिर से कर सकते हो। देखिए नीचे ऑप्शन आ गया है सर्च पैरामीटर, मैं वहाँ पे जाके नहीं अभी तो घूम ही रहा है, घूमने रहने दीजिए। हाँ चलिए आया है, अब यहाँ पे ऑप्शन आया, हाँ राशन कार्ड मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं राशन नंबर डाल देता हूँ, राशन नंबर जैसे ही आप डालोगे उसके बाद सर्च का ऑप्शन, जैसे कि हम लोग जानते भी हैं, जो नहीं जानते हैं वो अपने हमारे वीडियो देख के सीख पाएंगे। क्योंकि देखिए आयुष्मान कार्ड बनते हुए मुझे लग रहा है लगभग 2 से 3 साल हो चुका है, इसीलिए सबको लगभग 90% का नॉलेज होगा। अगर जिनको नहीं है तो वो इस वीडियो में देख के सीख पाएंगे। अब जैसे कैंडिडेट का नाम आ गया, मैं कोई भी कैंडिडेट का नाम ले लिया, उसके मैं KYC के लिए सेलेक्ट किया। अब न्यू टैब ओपन हो जाएगा, न्यू टैब ओपन होते ही आपको पता चल जाएगा कि वो चीज़ मैंने जो मॉर्फो इंस्टॉल किया है वो सही है या नहीं, या फिर कोई एरर आ रहा है क्या। चलिए घूम रहा है, चलिए इसको देख लेता हूँ। है छोटी सी चीज़ लेकिन इस बारे में मुझे भी काफ़ी डिस्क्रिप्शन से समझना पड़ा तब जाके मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ। और ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि ताकि आपको मैं परफेक्ट नॉलेज दे पाऊँ, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप 10 जगह वीडियो देखो फिर परेशान हो क्या सॉल्यूशन करना है। मैं चाहता हूँ हम एक भी ही वीडियो बनाए उसमें पूरा परफेक्ट सॉल्यूशन दूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। बड़ा मतलब कि क्या बोलते एडिटर नहीं हूँ या कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं नॉर्मल आम VLE हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो भी ज्ञान है जो भी नॉलेज है मैं अपने इस वीडियो में और अपने चैनल में सारा अपलोड करता रहूँ, आपको नॉलेज मिलता रहे। चलिए मैं वीडियो को ज़्यादा समय आपको नहीं बर्बाद करूँगा, यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे मैंने कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल दिया, फैमिली सेलेक्ट कर लिया ताकि मैं इनका बायोमेट्रिक आपको दिखा पाऊँ, यहाँ फिंगरप्रिंट सेलेक्ट कर लिया। अब उनका आधार नंबर डालूंगा, जो उनका आधार नंबर है, उनका आधार नंबर डालते ही फिर मैंने यहाँ नीचे में एक कैप्चर भी दिया हुआ है, उस कैप्चर को भी डालना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि बिना कैप्चर डाले होगा नहीं। लेकिन हाँ ये चीज़ कैप्चर वाला ऑप्शन पहले नहीं था, अभी आ गया है। चलो पता नहीं किस लिए दिया गया है, उतना कोई ज़रूरत भी नहीं था क्योंकि हम लोग तो VLE भैया अपना देख के ही करते हैं, आधार नंबर से डाले तो डायरेक्ट हो जाना चाहिए जैसे पहले होता था। कैप्चर क्यों कुछ नया डाला है, कोई बात नहीं। अब देखिए जैसे आप नीचे देख रहे हो, देखिए वहाँ मेरा कैप्चर बायोमेट्रिक वाला पूरा ग्रीन हो गया है और ये बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है। दोस्त आप भी इसे यूज़ करो, बहुत ही अच्छा रहेगा। आशा करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो यार, आपका हेल्प आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। मैं चाहता हूँ कि आपका सारा काम बन जाए, बस यही करूँगा कि हमारे वीडियो अगर आपका हेल्प हो रहा है, आपका कुछ काम अगर बन जाता है तो प्लीज़ एक छोटा सा सब्सक्राइब भी कर दो, लाइक कर दो यार। मुझे पता है आप हमारा वीडियो देखते हो, काम नहीं अपना काम भी आपका हो जाता है, लेकिन फिर भी चाहता हूँ कि अगर वो एक लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो थोड़ा आपके भाई को थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना ताकि मुझे हिम्मत मिले, मैं आपको और मदद कर सकूँ, और कुछ नया अपडेट आता है तो मैं आपको ज़रूर इस बारे में बताऊँ। और मिलता हूँ अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं दोबारा आपसे मिल पाऊँ, और आपसे मिलके मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। सो प्लीज़ एक छोटा सा सब्सक्राइब कर देना यार, प्लीज़।